क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 है आपका वेदर क्लाइमेट एंड अडैप्टेशन ऑफ एनिमल्स ठीक है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अडैप्टेशन इन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन अब जो आपके पोलर रीजन होते हैं पोलर रीजन में जो एनिमल अडैप्ट करते हैं वो अपने आप को कैसे अडैप्ट करते हैं वहां पर ये हम इस टॉपिक में रीड करेंगे सो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट जो आपका पोलर रीजन है वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है एक्सट्रीम रहता है एक्सट्रीम का मीनिंग हमने कल आपको बताया था कि जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में या तो कोल्ड होती हो या बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती हो आपकी हीट पड़ती हो है ना तो यहां पर पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन में हमेशा कैसी रहती है कोल्ड रहता है पोलर रीजन में हमेशा कैसा रहता है कोल्ड रहता है दिस रीजन आर कवर्ड विद स्नो ये जो रीजन है ऐसा जो क्लाइमेटिक कंडीशन में रीजन रहता है ये किससे कवर्ड रहता है हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है एंड इट इज वेरी कोल्ड और ये कैसा रहता है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर मतलब ईयर के 12 मंथ में से 8 से 9 मंथ ये कैसा रहता है स्नो से कवर्ड रहता है बाकी जो टाइम बचता है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सन निकलता है बाकी अदर मंथ में यहाँ पर सन नहीं निकलता है जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर है हमेशा -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है ठीक है अब हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स कौन से हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पोलर बियर आप सभी ने देखे होंगे पोलर बियर कैसे होते हैं आपने पोलर बियर की बॉडी देखी होगी तो कैसी रहती है व्हाइट कलर की कुछ पार्ट जो है उनका वो ब्लैक कलर का रहता है तो उनकी बॉडी जो व्हाइट कलर की होती है वो उनकी स्किन की वजह से होती है उनकी स्किन 3-4 लेयर में बनी हुई होती है ठीक है ना उस स्किन के कारण वो क्या कर सकते हैं इस क्लाइमेट में या इस रीजन में रहने के लिए हमें आपको अडाप्ट कर लेते हैं मीन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी लेकिन उनको फर्क कैसे पड़ेगा जब वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा वहां पर गर्मी होगी हीट बढ़ेगी तो क्या होगा वो जो पोलर बियर है उनको वहां पर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी क्यों होगी क्यों क्योंकि वो अपने आप को अडाप्ट कर चुके हैं कि हमें हमेशा किस रीजन में रहना है कोल्ड कंडीशन में हमें वहां पर रहना है तो ये जो पोलर बियर रहते हैं वहां पर अपने आप को अडाप्ट इस टाइप से करते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो व्हाइट कलर से रहती है तो वो क्या है स्नो में प्रॉपर तरीके से आपको दिख नहीं सकते अब वो अगर दिखेंगे नहीं तो जो शिकारी होते हैं जो प्रेडेटर रहते हैं वो क्या करेंगे उनका शिकार नहीं कर पाएंगे और जब पोलर बियर को अगर अपने फूड की रिक्वायरमेंट होगी जब उनको नीड होगी तो वो क्या कर सकते हैं अदर एनिमल का क्या कर सकते हैं वो प्रेडेटर कर सकते हैं वो शिकार कर सकते हैं क्यों अदर एनिमल को दिखेंगे नहीं कि यहाँ पोलर बियर है तो इस टाइप से जो है पोलर बियर अपने आप को पोलर रीजन में क्या करते हैं अडाप्ट करते हैं और वहां पर अपनी जो लाइफ है उनकी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं वहां पे सर्वाइव करते हैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है सिर्फ आपको उसमें इतना याद रखना है कि जो पोलर रीजन है वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहती है और आपको एक एग्जांपल याद रखना है किस एनिमल का आप वहां पर एग्जांपल दे रहे हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है क्लास 7 नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शेयर करेंगे थैंक यू ऑल